अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। हेयर मी यासर बलोच एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। मैं बहुत जल्दी उठा हूँ क्योंकि मुझे जाना है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पर जाके दोस्तों से मिलना है एंड यूनिवर्सिटी घूमनी है। तो जल्दी से होते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय द वे, अभी तक नींद खत्म नहीं हुई, नींद आ रही है। मिलते हैं जल्दी में भाई। फाइनली अब हम रेडी और वेट कर रहे हैं दोस्त का कि दोस्त आ जाए, तो हम जल्दी से जाएँ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर दोस्तों से मिलें एंड आपको यूनिवर्सिटी दिखाएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी आखिर है कैसी। सो बस वो उसने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, जैसे ही वो आता है हम निकलते हैं यहाँ से एंड जाते हैं यूनिवर्सिटी और मिलते हैं आपसे यूनिवर्सिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम आ गए हैं सब यूनिवर्सिटी में। सब मीन्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, जो कि मदरसा है और जो कि वाकई है हमारे नवाबशाह सिटी में। और यहाँ पर बहुत ही, ये देखें जो बोर्ड आई थी, आधा बोर्ड का पानी इधर यूनिवर्सिटी में है, आधा आपके शहरों में होगा। सो अभी हम यहाँ अपने दोस्तों के साथ और आपको दिखाते हैं कि सबू यूनिवर्सिटी कैसी है और क्या आपको यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी रौनकें हैं यहाँ पर। सो आपको दिखाते हैं सब कुछ, आपको हर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। हमारा इधर जो मदरसा है, मतलब बहुत ही मकोड़ों के साथ भरा हुआ है। आप आए तो आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। किससे, मकोड़ों से या मदरसे से? मदरसे में जो मकोड़े रहते हैं उनसे। चलें फिर चलते हैं हम इनके मदरसे में और अंदर चल के मदरसे में हम तालीम लेते हैं। आप ही देखिए, क्लास चल रही है माशाल्लाह। ये सारे माशाल्लाह तालीम ले रहे हैं, ताले बिलम बैठे हुए हैं सारे। खासतौर पर ये भाई हमारे जो हमारी पूरे क्लास संभालते हैं, खुद को संभालने के बजाय दूसरों को संभालते हैं और मस्त हेल्प करते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं गुलाब जा गुलड़ा एंड यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे साइनमेटिक। ये है सब डिपार्टमेंट की साइंस की विंग, यहाँ पर साइंस के सारे डिपार्टमेंट से। यहाँ पर केमिस्ट्री है और इंग्लिश डिपार्टमेंट है, जेनेटिक है। तो केमिस्ट्री वाले साइड, इंग्लिश वाले साइड, जेनेटिक वाले सब नीचे। चलो तो अभी चलते हैं नीचे। ये है सब यूनिवर्सिटी बी ब्लॉक की और आएंगे, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ कायदेवाम में, बट मेरी सब जो वंटी और सब जो चड्डी बट्टी मेरे जो हैं फ्रेंड्स, सब इस यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। आपको मिलाते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं भाई। ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। आप प्लीज हमें एजुकेशन की स्पेलिंग बताएंगे यार। आप मैं बेइज्जती करते यार, यार देखिए, आपको पता होगा कि जो बंदा जिस डिपार्टमेंट पढ़ता है उसको पता होता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट मुझे अपने डिपार्टमेंट की स्पेलिंग याद होगी ना। बट इसको यासर जो है ना सबके साथ ऐसा करता है, बट ये भाई हमारे एजुकेशन में पढ़ते हैं, इनको एजुकेशन की स्पेलिंग बतानी है। सो ये है हमारे पाकिस्तान के, ये नहीं ये वाले, नहीं ये वाले, ये है हमारे असल में ये वाले, ये है हमारे पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार्स जो हमारे और हम जब अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमारे टीचर्स से गुजर जाते हैं, हम कुछ फील ही नहीं करते। हाँ सोचते हैं भाई अपने टीचर्स हैं, रेस्पेक्ट, बट जो हमारे ये भाई हैं, इन्होंने देखा अपनी मैम ला, इसने रिएक्शन, मैम जा रही है, ये क्या है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आती बात। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉक 2 हम जा रहे हैं
एजुकेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलें, चलो चलते हैं ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऊपर है भाई, भाई ऊपर ऊपर ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट की विंग और ये है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के शहजादे। और अब हम जा रहे हैं सबकी फेवरेट जगह, सबकी फेवरेट जगह जो कि आपकी भी होगी, इनकी भी होगी, इनकी भी होगी। गेस करें कौन सी होगी। टॉयलेट 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 टॉयलेट। क्या करना है ये भाई? बोल रहे हैं कि चार सब्जेक्ट्स में तो सभी लगी है। हाँ। एक टीचर ने इसको बड़ी मुश्किल से पास किया है, वो भी पता नहीं किस वजह से इसको पास किया है। तो अभी ये भाई बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये 3 पॉइंट समथिंग से ज्यादा उठाएंगे शायद। सो ये जो हमारे भाई हैं, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि मुझे 5 सब्जेक्ट में से 4 में लगी सप्ली। हाँ। तो एक सर है, इसने मुझे पास कैसे किया? पास कैसे किया? परेशान है किया। उसमें भी मैंने कुछ उसमें तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, उन चारों में पढ़ा, सप्ली लगी इसने पढ़ा भी नहीं था, पास हो गया। इस बात की वजह से हमारा भाई बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं ये वाला भाई, ये वाला बीच वाला बंदा, ये वाला भाई हमारा नन्ना सा मुन्ना बोल रहे हैं साले से कमीने। हम आपको लगता है हम झूठ बोल सकते हैं? ओ देखो शूटिंग, हम यहाँ शूट करें तो वो वहाँ पे शूट, वो आपको शूट कर रहा है उधर। सो अभी हम चल चल के बिल्कुल थक गए। और भाई यूनिवर्सिटी का कानून कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आप ना गाड़ी चला सकते हैं ना आप बाइक चला सकते हैं, मतलब अंदर यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी है बहुत छोटी है, 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 2 ब्लॉक्स में ही इनके सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट बसे हुए हैं, 2 डिपार्टमेंट के अंदर सारे बच्चे। आपको कार पार्किंग में कार अपनी खड़ी करनी पड़ेगी, देन आप यूनिवर्सिटी में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनका बचपन का प्यार आप देखें, बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार लगी बहुत भूख, जाएंगे अंदर कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए, चले कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। ये हमारा एक दोस्त है गुड़ी खास के लिए, जिसको हम गुल बुलाते हैं। हम भाई से पूछेंगे कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट से? कौन से? एजुकेशन। आप काइंडली हमें एजुकेशन की स्पेलिंग बताएंगे? Congratulations, great, successful person. क्या बोला आपने? एजुकेशन T-I-O-N. तो खाली इसमें फिर से बताएं, फिर से E-D-U-C-S-T-I याद करे तो बुधाई। ये भाई ने हमें एजुकेशन की स्पेलिंग बताई है, आप देखें ये अभी मैंने बताया, ये हमारे देश के चमकते हुए सितारे हैं। तो शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में, मतलब सबू में, हमारा आज का एक्सपीरियंस समझो कि अच्छा रहा, बट अपनी यूनिवर्सिटी तो अपनी होती है ना यार, अपनी यूनिवर्सिटी जैसी तो बात यहाँ पर नहीं होगी। बट फिर भी अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, भले आप आ जाएँ पढ़ें आकर यहाँ पर, यहाँ पर साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं, आप आकर एडमिशन लें, पढ़ें और मौज करें। सो अभी चलते हैं घर, बहुत देर हो गई है, तो आपको कुछ पार्किंग साइड की साइनमेट्रिक शॉट्स दिखाते हैं, एंजॉय करें। भैया हमें लेके चलो ना यार, चार्ज नहीं है क्या? बैठने तो देना यार, प्यार ऐसे नहीं करना। ठीक है वाला, जाओ
और हम जाएंगे अपनी गाड़ी में, इनके साथ नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि ये घुमा फिरा कर हमें उसी पॉइंट पर छोड़ते हैं जहाँ से यूनिवर्सिटी होती है शुरू। सो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी में जाएंगे। बात बताऊं तो मुझे वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी बात होती है। बट बाय द वे यूनिवर्सिटी अच्छी है, हम किसी भी इदारे को गलत कह नहीं सकते, यूनिवर्सिटी माशाल्लाह अच्छी है बहुत। मुझे इस यूनिवर्सिटी की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब और डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन समझ रहे होंगे आप। सो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जहाँ पर देखा वहाँ पर कचरा नहीं था, मतलब भले वो रोड्स हों यूनिवर्सिटी के, यहाँ यूनिवर्सिटी के ब्लॉक्स, यूनिवर्सिटी की क्लासेस, इवन बाथरूम भी साफ थे मैंने देखा बिल्कुल। सो इस बात में ओके, बिल्कुल यूनिवर्सिटी आपकी, और अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, वरना आपकी मर्जी। सो गाइज, अब भी करते हैं व्लॉग को दी एंड। बाय द वे, अगर आपको यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ चाहिए फुली फ्रॉम माई साइड, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका सिंध यूनिवर्सिटी में या किसी भी साइंस यूनिवर्सिटी में, मतलब सिंध यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, कि हमारे इंटीरियर सिंध में आई थिंक ये जनरल यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक दो ही हैं, दूसरी भी है खैरपुर साइड भी है यूनिवर्सिटीज, बट अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छे हैं यहाँ पर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है और जगह हैं। सो व्लॉग करते हैं यहीं पर दी एंड, अभी बहुत थक गए हैं, वापस आए हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे पसीने आ रहे हैं। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स बनाते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।